आज हम सुनने जा रहे हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी की मसनवी मानवी की तीसरी एपिसोड। अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और एक और अहम ईरान तसव्वुफ़ और रूहानियत के हवाले से अपने ख्यालात को पेश करने के लिए मैंने रूह नाम से एक और चैनल बनाया है। जिन भी लोगों को दिलचस्पी हो तो इस चैनल को विज़िट करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मौजूद है। इससे पहले कि हम मसनवी की तरफ चलें, हस्ब रिवायत मौलाना रूमी के अहद और उनकी शख्सियत के हवाले से तारुफी सिलसिले को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो बात हो रही थी कि उस वक्त इस्लामी दुनिया जिसमें कि रूमी पैदा हुए हज़ार रंग से उलझनों में घिरी थी। तातारी यूरश जिवाल के उस सफ़र का आखिरी बड़ा संगे मील था जिसके बाद जिवाल का सफ़र तकमील को पहुंचा। मुस्लिम दुनिया ने उस वक्त इस सारे जिवाल पर जो रद्द अमल दिया वो बहुत ही दिलचस्प था। इस्लामी दुनिया खिलाफत राशिदा के बाद से कामिल तौर पर सियासी और जंगी फतूहात और मुआशी तरक्की का लुत्फ ले रही थी। इस्लाम के इस्टेब्लिश होने के बाद पहली बार शायद उस तहजीब को मौका मिला कि वो अपने रूहानी पहलू की तरफ ज़्यादा संजीदगी से गौर करती। ज़िंदगी के बारे में इस्लामी दुनिया का नुक्ता नज़र इस ज़िवाल की वजह से नज़र सानी के मराहल से गुजरने लगा। बड़ी बड़ी सल्तनतें यूं मट्टी का ढेर बनी नज़र आईं तो गहरे और अमीक लोगों ने सोचा कि जब ऐसी ठोस सल्तनतें यूं गैर पायदार साबित हो रही हैं तो एक आम इंसानी ज़िंदगी कितनी कोई बड़ी ठोस हकीकत हो सकती है। तातारियों ने जिस तरह मुस्लिम हुकूमतों की हद तक की दुनियावी शान और शौकत का पर्दा तो चाक हो गया मगर एक चीज़ अब भी थी जो खालिस इनफरादी थी, जिस पर किसी हमला आवर का बस चलता है न माशी सियासी समाजी हालात का जोर, यानी अपना आप सेल्फ, जिसे मजहबी इस्तलाह में रूह कहते थे। शाही दरबार उजड़े माशरे अमनो आश्ती और खुशहाली से महरूम हुए तो लोगों ने देखा कि वो लोग जो कभी शान और शौकत के पीछे ना भागे, जो रूह की सल्तनत तक खुद को महदूद किए बैठे रहे, उनके दरबार उनकी महफलें इस जिवाल में भी किसी बैरूनी मुदाखलत के असर से आज़ाद हैं। मुस्लिम दुनिया के इस बाहरी जिवाल का अंदरूनी जवाब थे शेख नजमुद्दीन कुबरा, शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, शेख अकबर इब्न अरबी, फरीदुद्दीन अत्तार और सदरुद्दीन कुनवी। ये सातवीं सदी हिजरी था और तसव्वुफ पहली दफ़ा इस्लामी दुनिया में पूरी कुव्वत के साथ जलवागर हो रहा था और इसी अहद में जलालुद्दीन रूमी पैदा हुए। अगले एपिसोड के शुरू में हम जानेंगे मौलाना रूमी के इब्तदाई हालात ज़िंदगी के बारे में। अब चलते हैं मसनवी की तरफ। बांसुरी तो उसकी रफीक है जो यार से जुदा हो गया, इसके साथ से तो उसी का दिल ही पारा पारा होता है। बांसुरी जहर भी है, बांसुरी तरियाक भी, इस जैसा दमसाज व मुश्ताक भला किसने देखा। बांसुरी बात करती है पर खतर राहों की, मुश्किल मंजिलों की। बांसुरी तो मजनू के जुनून के किस्से सुनाती है, इस होश का महरम मगर बेहोश के सिवा कोई और नहीं। जैसे ज़बान का ख़रीदार कान के सिवा कोई और नहीं हो सकता। गम ने मेरे दिन बोझल से कर दिए हैं, दिन
गुजर तो जाते हैं मगर मायूसी से भरे। रूमी कहते हैं कि बांसुरी तो उसकी रफ़ी को नमसाज है जो यार की जुदाई का गम सह रहा है। मिलने की तड़प तो उसी को होती है, जस्तजू तो उसी के लिए है जो बेहोश नहीं। वो इंसान जो शऊर के मकाम पर पहुंच गया, वो इस हकीकत को समझ गया कि वो अपने माखज से जुदा है। जुदाई का एहसास जिसे हो गया, मिलने की तलब उसी को होती है। हमारी दुनिया पर तो अना की हुक्मरानी है, अना के जो झूठा शराब है, होने की एक्टिंग है। हकीकत तो ये है कि हम वो कतरे हैं जो अपने कुलजम से कभी भाप बनकर उड़े थे, लेकिन फिर हमारे साथ ये खेल हुआ कि समंदर को, अपनी बुनियाद को, अपने माखज़ को ही हम भूल गए और कतरे होने को ही हकीकत जान लिया। रूमी कहते हैं बांसुरी तो उसी कतरे की रफीक है जो शऊर की उस सतह पर है कि जानता है कि वो समंदर से बिछड़ा है। बांसुरी का गीत तो उसी दिल पर हथौड़ा बनकर गिरता है जो इस शऊर को पा गया कि वो अपनी बुनियाद से, अपनी असल से जुदा है। और क्यों ना समझे वो दिल उस बांसुरी का नौहा कि बांसुरी तो खुद रात दिन इसी गम का रोना रो रही है कि वो अपने नेस्तां से कब दोबारा लज्जत विसाल पाएगी। टूटे दिल की बात टूटा दिल ही समझ सकता है। हकीकत ये है कि तसव्वुफ में, मिस्टिसिज्म में, गम को वो भट्टी करार दिया जा सकता है जिसमें तप कर साले कुंदन बनकर निकलता है। जदीद इंसान का आलमिया दोहरा है, एक तो उसने नकली गमों को असली गम मान लिया है और फिर इन गमों को भी इरफान की मंजिल का रास्ता बनाने की बजाय उनसे फरार की राहें ढूंढता फिरता है। ये जो दुनिया नशे में डूब रही है, शराब में गर्क हो रही है, ये जो मसरूफ रहने के नित नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं, ये असल में उसी फरार के अक्कास हैं। रूमी कहते हैं कि बांसुरी जहर भी है और जहर का तरियाक भी, क्योंकि बांसुरी जब टूटे दिल के कानों से टकराती है तो गम को बढ़ाती है और गम की तशफी भी बन जाती है। ये फिनोमिनन बाहम मुतसादम नज़र आता है, मगर हकीकत ये है कि अगर इंसान गम की अजमत तक पहुंच जाए तो यही गम है जो निर्वाण बन जाता है। इरफान की मंजिल के दो रास्ते हैं, योग और भोग। योग त्याग का नाम है, तर्क दुनिया का नाम है, मगर हकीकी सूफी ये रास्ता इख्तियार नहीं करता बल्कि वो भोग का रास्ता चुनता है, आम लोगों का रास्ता। बस फर्क ये होता है कि आम और सतही लोग इस दुनिया के शराब को खुद तराशते हैं और खुद ही उसके असीर हो जाते हैं, जबकि सूफी इस शराब को जीता है मगर जानता है कि ये शराब है। वो ऑब्जर्वर होता है, उसकी जहन की दुनिया में बरपा वाकयात वो नहीं होता, उसके जिस्म पर गुजरे हवादिस उस पर नहीं गुजरते, बल्कि वो तो पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस होता है जो देख रहा होता है कि अब दिमाग पर ये बीत रही है, अब जिस्म पर ये गुजर रहा है। वो मुशाहिदा करने वाला बन जाता है, वो जानने लग जाता है कि दुनिया स्टेज है और वो उसमें एक एक्ट निभा रहा है, मगर वो खुद ये एक्टिंग तो कर रहा है लेकिन हकीकत में कुछ और है। ये सूफी दुनिया के सारे गमों को जीते हैं, उनसे दर्द कशीद करते हैं और फिर वो मकाम आता है कि जहाँ यही दर्द दवा बन जाता है, यही गम का जहर दरियाक बन जाता है। इंसानी फितरत का बगौर मुशाहिदा करें तो दर्द के साथ उसकी हम आहंगी बहुत गहरी है। आप कितनी खुशी मुसलसल बर्दाश्त कर सकते हैं? फर्ज करें आपकी एक दिन 1 करोड़ रुपए की लॉटरी निकल आए तो आपको कितनी खुशी होगी? यकीनन बहुत।
लेकिन अगर यही लॉटरी मुसलसल 2 माह रोजाना निकलती रहे तो आपका क्या होगा? आप इस खुशी को बर्दाश्त करने के काबिल ही नहीं हैं, बर्दाश्त कर ही नहीं सकेंगे। मगर यही इंसान रोज़ाना की बुनियाद पर ख़ुद तख्लीक करदा सही कितने गमों के साथ निभा कर जाता है। मुसलसल खुशी आपको खुशी और गम से मावरा नहीं ले जा सकती, मगर मुसलसल गम में ये सलाहियत होती है कि वो आपको पेन और प्लेयर्स से मावरा कर दे। इसीलिए दर्द से फरार के झूठे रास्ते इख्तियार करना तसव्वुफ की दुनिया में हराम है। हकीकी सूफी भोग के रास्ते को चुनता है, वो दर्द को जीता है और इस शिद्दत से जीता है कि दर्द से मावरा हो जाता है। आप कभी गौर करें, आप जो भी काम करते हैं वो असल में इसीलिए ही तो होता है कि आप उससे मावरा हो सकें। 5वीं जमात में मौजूद बच्चा दिन रात किस कोशिश में है? वो इम्तहान पास करे और 5वीं से मावरा हो जाए। सियाने लोग कहते हैं कि जो सोचने के अमल के नतीजे में सोच से मावरा नहीं होता, वो ज़िंदगी जीने के अमल के नतीजे में ज़िंदगी से मावरा नहीं हो पाता, वो मिस्टेक है। और जिसकी सोचें सोचों से मावरा जाने के लिए हैं, जिसका जीना जीने से ऊपर उठ जाने के लिए है, वो मिस्टेक है। दुनिया में 2 ही किस्म के लोग होते हैं, मिस्टेक या मिस्टेक, बुधा या बुद्धू। अगले शेर में रूमी कहते हैं कि बांसुरी लोरियां नहीं सुनाती, बांसुरी ऐशो इशरत के नगमे नहीं सुनाती, बांसुरी आसान राहों को इख्तियार करने का चूरन नहीं बेचती, बांसुरी तो इश्क में दीवानगी की बात करती है, बांसुरी तो वो सदा है जो मजनू के दिल से लैला के फराक में दश्त में गूंजती है। बांसुरी विसाल की आसान राहों को इख्तियार नहीं करती, विसाल यार आसानी से हाथ लगे तो ना देर पा होता है ना रूह फिजा। आप अपनी मादी दुनिया को देख लें कि जो भी चीज़ आसानी से हाथ लगे उसकी वैल्यू नहीं रहती। गुज़िश्ता शेर की तशी में भी हमने ये बात की थी कि हकीकत की मंजिल तक जाने के 2 रास्ते हैं, योग और भोग। योग असल में आसान रास्ता है, भोग मुश्किल रास्ता है। आप बगौर मुशाहिदा करें कि वो सूफी भिक्षु योगी जो त्याग की राह चुनते हैं उनके चेहरों पर हमादम उदासी छाई रहती है, मगर जो दुनिया को भोग कर दुनिया से मावरा होता है उनके चेहरे पर एक अबदी नोयत का सुकून होता है। उसकी वजह यह है कि तर्क दुनिया आसान है, तर्क दुनिया इख्तियार करने वाले ये सोच कर दुनिया तर्क करते हैं कि वो दुनिया के गमों से निजात पा लेंगे, मगर वो ये बात नहीं समझ पाते कि जब वो गमों से निजात के लिए तर्क दुनिया करते हैं तो उन्हें खुशी को भी तर्क करना पड़ता है। इस दुनिया में गम है तो खुशी भी इसी में है। घर का सुख, बच्चों का सुख, फैमिली का सुख त्याग करने वालों को गमों का सामना होता है तो वो ये सोच कर दुनिया छोड़ देता है कि गमों से निजात मिल जाएगी, मगर वो दुनिया के गमों को जब छोड़ता है तो उसे दुनिया के सुखों को भी छोड़ना पड़ता है। इसलिए तुम्हारे मौलवी पंडित पुरोहित गौर से इन्हें देखो, तुम्हें दुखी नजर आएंगे। रूमी कहते हैं बांसुरी सौखे रास्तों की बात नहीं करती, ये तो मजनू के जुनू के किस्से सुनाती है। अगले मिसरे में रूमी कहते हैं कि इश्क में खुदी की मंजिल तो उसी को मिलती है जो बेखुदी की सरहद तक जा पहुंचा, यहाँ होश तो बस उसका मुकद्दर है जो बेहोश हो गया। हमारी दुनिया होश शऊर के लफ्जों से जिस तरह आशना है, इससे मुराद ये है कि ईगोइक माइंड कामयाबी का जो शराब तराशता है उसे हासिल करने के पीछे भागने वाले हैं होशमंद पाशऊ। लेकिन कभी गौर किया कि दुनिया की कामयाबियों से जुड़ जाने वाला सेल्फ कितना तिश्ना रहता है? उसकी कामयाबी एक ऐसा शराब है कि जब वो एक कामयाबी पा लेता है तो जहरा के शराब की तरह कोई और कामयाबी होती है जो सामने नजर आ रही होती है। ऐसा इंसान अपने किसी भी लम्हे मौजूद में
मौजूद नहीं होता, वो लम्हा के जिसमें जिंदगी है वो सिर्फ लम्हा मौजूद है। मगर अना की नेचर ऐसी है कि जब ये एक कामयाबी समेट लेती है तो फिर एक और गोल सेट करके इंसान के सामने रख देती है। एक ज़माने में जिस शख्स का ख्वाब 20,000 की नौकरी को पा लेना था, अब 50,000 उसकी तनख्वाह है, मगर अनाई दिमाग ने अब उसे 1,00,000 तनख्वाह के पीछे लगा रखा है। यही हाल दुनिया की बाकी सारी कामयाबियों का है। आपने सोचा कभी कि आज के इंसान, नाम निहाद बाशऊर बाहोश इंसान की जिंदगी एक मुसलसल दौड़ बन चुकी है, जो हकीकत में बस कब्र तक पहुंचने की दौड़ के सिवा कुछ और नहीं। और यही वजह है कि आपने कई ऐसे किस्से तो सुने होंगे कि मादी दुनिया की बेतहाशा कामयाबियां समेटने वाले, शोहरत की आखिरी हदों को छू लेने वालों ने तो अपना तर्ज जिंदगी छोड़ा और रूहानियत तसव्वुफ की राह इख्तियार की, मगर किसी हकीकी रूहानी शख्सियत ने कभी इस जिंदगी को तर्क करके अनाई दिमाग की शराब जदा जिंदगी को नहीं चुना। रूमी कहते हैं कि हकीकी होशमंद तो वो हैं जिन्हें दुनिया बेहोश कहती है। इश्क की मंजिल उस रास्ते पर चलकर मिलती है जहां दुनिया के लिए इंसान बेशऊर बेहोश होता है, मगर वो हकीकत में बाशऊर और बाहोश होता है। क्यों? क्योंकि वो दुनिया की शराब ज़दा नेचर को समझ जाता है। अगले मिस्से में रूमी बज़बान बांसुरी कहते हैं कि मेरे दिन बोझल हैं, और ये बोझलपन जो चीज़ लेकर आता है वो है मायूसी। इंसानी ज़िंदगी जो ये जदीद इंसान गुजार रहा है, इस पर गौर करें। अगर एक इंसान के दिन को तकसीम करें तो दो किस्म के एहसास के साथ ही उसका जीना हो रहा है, खौफ या गम। खौफ कि आने वाला दिन अच्छा होगा कि नहीं, गम कि गुजरा दिन अच्छा ना था। हमारी ज़िंदगी पेन और प्लेयर के दरमियान झूलता वो पंडुलम है जिसे सुकूत और स्टिलनेस की लज्जत का कभी सामना ही नहीं हो पाता। स्टिलनेस से हमारी हकीकी हालत, उभार उतार चढ़ाव हमारी ज़िंदगी का सतही तरीन हिस्सा है। एक झील को देखें, उसमें मौजूद हरकत, बेचैनी, ज्वार भाटा, वो सारा सिर्फ सतह पर ही होता है, जबकि तह में वही झील बिल्कुल साकित होती है। अब अगर आप जिंदगी की झील की सिर्फ सतह को अपना आप जानते हैं, बल्कि सतह पर मौजूद लहरों को अपना आप जानते हैं, तो ये वो दुनिया है जिसे मैं अनाई दुनिया कहता हूँ, जिसमें मुसलसल कुछ करना होता है, कुछ सोचना होता है, और अना की ज़िंदगी का चलाने वाला है दिमाग। आपने गौर किया कि आपका दिमाग कभी भी खामोश नहीं बैठता? साइंस तक कह उठी है कि एक दिन में हम 60,000 से 80,000 सोचों को सोचते हैं। अब अगर एक ऐसा टूल यानी दिमाग तय करेगा कि इंसान क्या है, खुदा क्या है, ज़िंदगी क्या है, खालिक व मखलूक के दरमियान ताल्लुक क्या है, तो वही दुनिया आपके सामने आएगी जो इस वक्त आपके सामने है। दिमाग एक तरफ बीमारियों के इलाज ढूंढ रहा है ताकि इंसानों को बचा सके, एक तरफ एटम बम बनाकर उन्हीं इंसानों को मिटाने के दरपे है जिनके इलाज के लिए वो खप रहा था। दिमाग की नेचर मंकी जैसी है, इसे सुकून नहीं है। इसलिए तिब्बत के योगी आम इंसान के दिमाग को मंकी माइंड कहते हैं। अब यही माइंड है जो अना को गवर्न कर रहा है। और दिमाग के बारे में ये बात जान लीजिए कि ये आला पाए का गुलाम है, मगर बदतरीन नोयत का आका है। हमारी अनाई जिंदगी अब इसी दिमाग के कंट्रोल में है, जो पेन एंड प्लेयर्स के शराब तराश रहा है, और इंसान मुसलसल खौफ और दुख के आसेब में जकड़ा हुआ है। गौर करें, दुख क्या है? एक वाकया जो कभी माजी में हुआ, उसकी मेमोरी। खौफ क्या है? एक वाकया जो आने वाले मुस्तकबिल में होगा, उसकी एंटिसिपेशन। ये दोनों ही चीज़ें मुर्दा हैं। जिंदा चीज़ें सिर्फ लम्हे मौजूद में ही हो सकती हैं, वो लम्हा जिसमें ज़िंदगी फिल वाके है।
हम इंसान इस वक्त अपनी मेमोरी और अपनी इमेजिनेशन का सितम सहने पर मजबूर हैं, क्योंकि अना हमारे शऊर का मरकज है। मेमोरी जो गम तराश रही है और इमेजिनेशन जो खौफ तख्लीक कर रहा है, उसी को लेकर पेन एंड प्लेयर के दरमियान का ये चक्कर दिमाग तख्लीक कर रहा है और हमने खुद को दिमाग से आइडेंटिफाई कर लिया है। इसलिए जो भी बीत रहा है वो हम समझ रहे हैं कि हम पर बीत रहा है, हालांकि वो बस दिमाग का एक एक्ट है और हम सिर्फ दिमाग नहीं हैं, इससे बहुत कुछ ज़्यादा है। पेन एंड प्लेयर के दरमियान झूलने की हमारी आदत ही वो बोझलपन तख्लीक कर रही है जिसका हम शिकार हैं। रूमी बांसुरी की जबान से कह रहे हैं कि मेरे दिन बोझल हैं, कि मैं मुसलसल गम के नौहों और खुशी के शादियाने के दरमियान झूल रही हूँ, मगर मेरा मकसद ये नौहे ये नगमे बखेरना तो नहीं बल्कि नैस्तां का वसल पाना है। तसव्वुफ़ का ये बहुत ही अहम असूल है कि खुशी हो या गम हो, अगर ये आपको आपकी हकीकत के करीब लाएं तो ये दोनों ही नेमत हैं, वरना दोनों ही लानत हैं। गम अगर गम से मावरा नहीं ले जाता तो वो एक बीमारी है, खुद तरहमी है, हमदर्दी की ख्वाहिश है, झूठी मोहब्बत को पा लेने की बोसीदा सी एक काविश है। इसी तरह खुशी अगर आपको खुशी से मावरा नहीं ले जाती तो वो ऐसी अय्याशी है, ऐसी फजूल एक्टिविटी जिसका अख्ताम दुख पर होगा। देखते हो कि शादी के पहले माह कैसे गुजरते हैं और फिर क्या होता है, नौकरी मिल जाने के पहले चंद माह कैसे होते हैं और फिर क्या होता है, कारोबार शुरू करने के पहले चंद माह कैसे थे और बाद में क्या हुआ। अपनी हर लज्जत को उठाकर देख ली, उस शराबी से बढ़कर कुछ नहीं जिसे चंद घंटे सुकून के मिल गए और उसके बाद मुसलसल सर दर्द। ये थी मसनवी मानवी बाई जलालुद्दीन रूमी की तीसरी एपिसोड। अगली एपिसोड सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, और हाँ एक बार फिर बताता चलूं कि तसव्वुफ़, रूहानियत, खुदा, हकीकत, जिंदगी, इंसान के गहरे तरीन सवालों पर अगर मेरी राय आप जानना चाहते हैं तो रूह नाम से मेरे दूसरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।